हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो बेटा, अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, परागण निषेचन भ्रूण एवं भ्रूण कोश का परिवर्धन। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक आपको अब मैं शुरू करने वाला हूँ वो आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। ठीक है ना, देखिए, परिवर्धन की प्रक्रिया के आधार पर भ्रूण कोश के प्रकार। सभी ध्यान से सुनना, कल वैसे थोड़ा सा आपको मैं समझा चुका हूँ, ठीक है, फिर भी एक बार अपन दोबारा से इसको शुरू करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड के एग्ज़ाम में बड़ा प्रश्न आ चुका है। तो देखो, इसकी शुरुआत अपन कैसे करेंगे। अपन इसमें ये बोलेंगे बेटा कि एक अगुणित नरयुग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक से संयोजित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का विकास करता है। यही प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक आगे जाकर भ्रूणकोश का विकास करता है। साथ ही इसमें आपको ये बात बोलनी पड़ेगी कि भ्रूणकोश एक पोषक ऊतक होता है, पोषक ऊतक होता है जिसकी कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा आदि पोषक तत्व संचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो भ्रूणकोश बेटा परिवर्धित होते हुए भ्रूण को पोषण उपलब्ध करवाता है। अब आप आज की कहानी सुनिए। देखो, सबसे पहला प्रकार मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है, केंद्रकीय भ्रूणकोश। ठीक है ना, कैसे बोलेंगे, इस प्रकार के भ्रूणकोश के अंतर्गत थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे देखिए, ये मैंने भ्रूणकोश के लिए आउट फिगर खींच दिया, ठीक है ना, यहाँ पर ये भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनें। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये क्या है, ये त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, ये बारंबार समसूत्री विभाजन के द्वारा या यूं कह दो सतत विभाजनों के द्वारा अनेक केंद्रकों का विकास करता है। केंद्रक विभाजनों के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता, ठीक है ना, इसी कारण इस प्रकार के भ्रूणकोश को केंद्रकीय भ्रूणकोश कहते हैं। ठीक है ना, आगे चलिए। कुछ समय पश्चात केंद्रकीय प्रकार के भ्रूणकोश में बीचों बीच में एक बड़े आकार की रिक्तिका विकसित हो जाती है और सारे के सारे केंद्रक परिधीय भाग में व्यवस्थित हो जाते हैं, जैसे कि मैंने कर दिया। ठीक है ना, इसके बाद अभिकेंद्री रूप से यानी कि यहाँ से केंद्रीय भाग की ओर कोशिका भित्तियों का विकास होता है। ठीक है ना, कोशिका भित्तियों का विकास किस प्रकार से होता है बेटा, अभिकेंद्री रूप से, ये कर दिया। ठीक है, परिणाम स्वरूप केंद्रकीय प्रकार का भ्रूणकोश कुछ समय पश्चात कोशिकीय प्रकार के भ्रूणकोश में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको इसमें बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल, आवृत बीजी पादपों के लगभग 56% कुलों में इस प्रकार का भ्रूणकोश परिवर्धन पाया जाता है, है ना, और एक वर्ग का नाम पॉलीपेटेली, आवृत बीजी पादपों का एक वर्ग है, वर्ग का नाम क्या है बेटा, पॉलीपेटेली। ठीक है ना, इस वर्ग के पादपों में, एक दो पादपों के नाम में लिख रहा हूँ, ऑक्सीपोरा, क्रोटिलेरिया एवं नारियल, इनमें केंद्रकीय प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है। ठीक है बेटा, नारियल के बारे में एक लाइन आपको अलग से कहनी है, याद रखना पड़ेगा, कंपटीशनों में पूछा जाता है,
कैपिटल नारियल में केंद्रकीय प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है। ठीक है, इसका जो भ्रूणकोश होता है वो तरल होता है। तरल, आपने नारियल देखा होगा तो बेटा नारियल के भीतर जो पानी भरा होता है वो इसका तरल भ्रूणकोश होता है। बैठ गया आपके सबके समझ में। अब बेटा दूसरे प्रकार पे आते हैं। दूसरा प्रकार कौन सा है? कोशिकीय। ये वही पहले के समान में ना आउट फिगर खींच दिया है ना। अब सुनिए आप, ये वो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बना दिया, इसको पढ़ रहे हैं अपन कोशिकीय को। तो आप क्या बोलोगे? इस प्रकार के भ्रूणकोश परिवर्धन की प्रक्रिया में त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक विभाजित होता है लगातार। ठीक है ना बेटा, विभाजित हो रहा है, लेकिन प्रत्येक विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति का विकास भी हो जाता है। प्रत्येक विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति का विकास भी हो जाता है। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा भ्रूणकोश कोशिकीय स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, एक लाइन आपको इसमें और याद रखनी है। कोशिकीय प्रकार के भ्रूणकोश में एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है, इस विशिष्ट संरचना को बेटा चूसकांग कहते हैं। क्या बोलते हैं? चूसकांग। ये रचना भ्रूणकोश तथा बाहर उपस्थित अन्य ऊतकों से भोजन का अवशोषण करती है। ठीक है बेटा, अब इसका एग्जाम्पल लीजिए। तो आप क्या बोलोगे? कोशिकीय प्रकार का भ्रूणकोश आवृत बीजी पादपों के गैमोपेटेली वर्ग में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है ना, इस वर्ग के दो पादपों के नाम आपके सामने लिख देता हूँ। एक तो नाम है बर्बेस्कम, पहला नाम, और दूसरा नाम बेटा इसमें क्या बोलेंगे? मैग्नोलिया। तो ये दोनों खत्म हो गए। ठीक है ना बेटा, तो परिवर्धन की प्रक्रिया के आधार पर दो प्रकार के भ्रूणकोश अपन खत्म कर चुके हैं। कौन कौन से दो प्रकार खत्म कर दिए बेटा? एक तो केंद्रकीय और दूसरा कोशिकीय। अब अपन तीसरे प्रकार पे आते हैं बेटा। तीसरे प्रकार का नाम बोर्ड पर क्या लिखा है? हेलोवियल। क्या लिखा है? हेलोवियल। थोड़ा सा सुने, ये भी बहुत सरल है। देखिए, ये मैंने वही भ्रूणकोश के लिए आउट फिगर खींच दिया। ये त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक है। तो इस प्रकार के भ्रूणकोश परिवर्धन में त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा दो केंद्रकों में विभक्त हो जाता है। ये बन गए दो केंद्रक। ठीक है, प्रथम केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति निर्मित हो जाती है। ठीक है, जिससे दो असमान आकार की कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं। निभागी सिरे की ओर छोटे आकार की कोशिका और बेटा बीजांड द्वारी सिरे की ओर बड़े आकार की कोशिका। सुन लिया, अब आगे चलिए। बीजांड द्वारी सिरे की ओर उपस्थित कोशिका के केंद्रक में समसूत्री विभाजन द्वारा विभिन्न विभाजन होते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन प्रत्येक विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण भी हो जाता है। समझ गए आप? जबकि निभागी सिरे की ओर उपस्थित छोटी कोशिका का केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा बहुत सारे केंद्रकों का विकास करता है, लेकिन केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। बैठ गया आपके समझ में? केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो बेटा आप देख सकते हैं बोर्ड पे,
के हेलोबियल प्रकार के भ्रूणकोश परिवर्धन में ये प्रारूप, यहाँ वाला प्रारूप तो किस प्रकार का भ्रूणकोश प्रदर्शित करता है, कोशिकीय, और ऊपर वाली कोशिका बेटा केंद्र की है। तो हम ये कह सकते हैं, ध्यान से सुनना, कि हेलोबियल प्रकार का भ्रूणकोश परिवर्धन की प्रक्रिया के आधार पर केंद्र की है एवं कोशिकीय है, दोनों प्रकार के भ्रूणकोशों का मिलाजुला स्वरूप होता है, जो एक बीजपत्री पादपों के एक विशिष्ट गण हेलोबियल के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये अपन ने एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न खत्म कर लिया। ठीक है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है बेटा कि भ्रूणकोश क्या है, परिवर्धन की प्रक्रिया के आधार पर भ्रूणकोश के प्रकार लिखिए। तो आपको बेटा ये पूरे के पूरे तीनों की तीनों बातें बतानी पड़ेंगी। ठीक है बेटा, आगे अब जो हेडिंग अपन पढ़ने वाले हैं वो भ्रूणकोश की उपस्थिति के आधार पर बीज के प्रकार, ये अपना अगला टॉपिक है बेटा। भ्रूणकोश की उपस्थिति के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक तो होता है अभ्रूणकोशी बीज और दूसरे होते हैं बेटा भ्रूणकोशी बीज। ठीक है, अभ्रूणकोशी बीज प्राय द्विबीजपत्री पादपों जैसे चना, मटर आदि में पाए जाते हैं, जबकि भ्रूणकोशी बीज एक बीजपत्री पादपों जैसे गेहूं, बाजरा आदि में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब समझ लीजिए, ध्यान से देखना। देखो बेटा, भ्रूणकोश की उपस्थिति के आधार पर बीजों को दो प्रकारों में विभक्त करते हैं। पहला प्रकार कौन सा है? अभ्रूणकोशी बीज। ध्यान से समझना, देखिए आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि भ्रूणकोश एक पोषक ऊतक है जिसकी कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा संचित पोषक पदार्थों के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, और बेटा भ्रूणकोश परिवर्धित होते हुए भ्रूण को पोषण उपलब्ध करवाता है। बैठ गई समझ में? अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि ऐसे बीज जिनमें भ्रूण परिवर्धन के दौरान संपूर्ण भ्रूणकोश का पोषक पदार्थ के रूप में उपयोग कर लिया जाता है, वापस बोलता हूँ, ऐसे बीज जिनमें भ्रूणकोश परिवर्धन के दौरान संपूर्ण भ्रूणकोश को पोषक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त कर लिया जाता है, उन बीजों में भ्रूणकोश नहीं पाया जाता। क्यों नहीं होता बेटा? क्योंकि पूरा का पूरा भ्रूणकोश भ्रूण के परिवर्धन के दौरान प्रयुक्त कर लिया, ऐसे बीजों को अभ्रूणकोशी बीज कहते हैं। आपको बता चुका हूँ इस प्रकार के बीज प्राय द्विबीजपत्री पादपों में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं चना, मटर आदि। दूसरे पर आइए, भ्रूणकोशी बीज क्या बोलोगे? कि ऐसे बीज जिनमें भ्रूण परिवर्धन के दौरान संपूर्ण भ्रूणकोश प्रयुक्त नहीं किया जाता है, अर्थात बीज में भ्रूणकोश का कुछ भाग शेष रह जाता है।
ऐसे बीजों को भ्रूणपोषी बीज कहते हैं, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे बेटा, एक बीजपत्री पादप, और एक बीजपत्री पादपों में कौन, गेहूं, बाजरा आदि। तो बेटा अपना ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया, दो टॉपिक पढ़ चुके अपन। एक तो क्या पढ़ चुके बेटा, परिवर्धन की प्रक्रिया के आधार पर भ्रूणपोष के प्रकार, तीन प्रकार पढ़े, केंद्रकीय, कोशिकीय और हेलोवियल। और दूसरा अपन ने पढ़ा भ्रूणपोष की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर बीज के प्रकार, दो पढ़ लिए, एक तो अभ्रूणपोषी और दूसरा भ्रूणपोषी। अभ्रूणपोषी बीज तो द्विबीजपत्री पादपों के होते हैं जैसे चना मटर, और भ्रूणपोषी बीज एक बीजपत्री पादपों के होते हैं जैसे गेहूं, बाजरा आदि, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं, और बेटा उसमें अपन बीजांड से संबंधित कुछ विशिष्ट संरचनाएं पढ़ने वाले हैं। देखिए पहला नाम मैंने बोर्ड पे लिखा है एरिल, दूसरा नाम मैंने बोर्ड पे लिखा है कैरेंकल, और तीसरा नाम मैंने बोर्ड पे लिखा है बेटा ओपरकुलम। कौन कौन से नाम लिख दिए बेटा मैंने बोर्ड पे, एरिल, कैरेंकल और ओपरकुलम। तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा, बीजांड के चारों ओर उपस्थित मांसल अतिवृद्धि। और बेटा इसका एग्जाम्पल अपन क्या बोलेंगे, लीची, फल है ये लीची। दूसरा क्या लिखा है बोर्ड पे, कैरेंकल, तो आप बोलोगे U4BAC, कुल का नाम है बेटा ये U4BAC, कुल के, कुल में चाहे कुल के पादपों में बीजांड द्वारी सिरे पर एक सफ़ेद रंग की रचना पाई जाती है। उसी रचना को बेटा कैरेंकल कहते हैं। आपके सामने मैंने U4BAC कुल के एक पादप का नाम भी लिख दिया, क्या नाम है बेटा, लाल पत्ता। अगली बात पे आ जाइए, ओपरकुलम, तो मैं एक बार बोल देता हूँ, ओपरकुलम का मतलब बेटा होता है ढक्कन, क्या मतलब होता है ढक्कन। तो आप बोलोगे एक बीजपत्री पादपों में बीजांड द्वारी सिरे पर उपस्थित, बीजांड द्वारी सिरे पर उपस्थित प्लगनुमा रचना। बेटा आपने प्लग देखा होगा, क्या काम करता है प्लग, प्लग वो जो छिद्र होते हैं ना उनको ढक्कन की तरह ढक देता है, है ना, और ढक्कन को अपन कहते हैं ओपरकुलम इंग्लिश में, ठीक है। तो आप ध्यानपूर्वक तीनों की परिभाषा सुने, ठीक है बेटा। देखिए सबसे पहला हेडिंग मैंने क्या लिख रखा है बोर्ड पे, एरिल, क्या लिखा हुआ है एरिल, तो क्या बोलूंगा इसमें मैं, कुछ पादपों के बीजांड के चारों ओर उपस्थित मांसल अतिवृद्धि एरिल कहलाती है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कुछ पादपों के बीजांड के चारों ओर उपस्थित मांसल अतिवृद्धि एरिल कहलाती है। एग्जाम्पल क्या बोलोगे, लीची, ठीक है ना। याद रखना बेटा लीची में खाने योग्य भाग भी एरिल ही होता है। दूसरा हेडिंग बोर्ड पे क्या लिखा है बेटा,
कैरेंकल। क्या बोलोगे इसमें? U4BAC कुल के पादपों में बीजांड द्वारी सिरे पर एक सफ़ेद रंग की रचना पाई जाती है जिसे कैरेंकल कहते हैं। अब U4BAC कुल के एक दो पादपों के नाम बता दो। एक पादप तो हो गया बेटा लाल पत्ता और दूसरा पादप कौन सा? अरंड। ठीक है ना, दो पादप हो गए बेटा। आगे चलिए, अब हेडिंग नंबर 3 पे आ गए। क्या लिखा है बेटा बोर्ड पे? ऑपरकुलम। सुन लीजिए, एक बीजपत्री पादपों में बीजांड द्वारी सिरे पर उपस्थित प्लग नुमा रचना ऑपरकुलम कहलाती है। तो बेटा ये तीनों की तीनों परिभाषाएं आपको याद रखनी पड़ेंगी। एरल का एग्जाम्पल क्या बोलोगे? लीची। तो लीची में खाने योग्य भाग भी बीजांड के चारों ओर उपस्थित मांसल आवरण यानी कि एरल होता है। कैरेंकल का एग्जाम्पल क्या बोलोगे? U4BAC कुल के पादप जैसे लाल पत्ता और अरंड। और तीसरा क्या लिखा है बेटा? ऑपरकुलम। एक बीजपत्री पादपों में बीजांड द्वारी सिरे पर उपस्थित प्लग नुमा रचना क्या कहलाती है? ऑपरकुलम या ढक्कन कहलाती है। ठीक है ना, आगे चलिए बेटा। अगला हेडिंग जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है फल। बिल्कुल सरल बात है। देखो बेटा, कल आपको मैंने बीज के बारे में बताया था, बीज है ना। तो मैंने क्या बोला था बीज के बारे में? मैंने ये बोला था बेटा कि निषेचन के परिणाम स्वरूप, ध्यान से सुनना, निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड से विकसित होने वाली रचना बीज कहलाती है। तो आज मैं क्या बोलूँगा, चूँकि आज मुझे पढ़ाना है बेटा फल, तो मैं क्या बोलूँगा? निषेचन के पश्चात अंडाशय के परिवर्धन से विकसित होने वाली रचना फल कहलाती है। वापस बोल देता हूँ, निषेचन के पश्चात अंडाशय के परिवर्धन से विकसित होने वाली रचना फल कहलाती है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। फल बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो लिखा है बेटा मैंने सत्य फल या वास्तविक फल, और दूसरा आपके सामने बोर्ड पे लिखा है असत्य आभासी या कूट फल। ठीक है ना, तो एक एक करके दोनों को सुने। सत्य फल किसे कहते हैं? तो बेटा वे फल जिनका परिवर्धन केवल और केवल पुष्प के अंडाशय से होता है। वापस बोल रहा हूँ कि वे फल जिनका परिवर्धन केवल और केवल पुष्प के अंडाशय से होता है उन्हें सत्य या वास्तविक फल कहते हैं। ठीक है ना, और इसका एग्जाम्पल आप आम कह सकते हैं। आम के अलावा अमरूद, ये भी सत्य फल का उदाहरण है। तो बेटा क्या बोला मैंने सत्य और वास्तविक फल में? कि वे फल जिनका परिवर्धन केवल और केवल पुष्प के अंडाशय से होता है। ठीक है ना, अब असत्य और आभासी फल पर आ जाइए। असत्य फल या आभासी फल, बहुत सरल बात। कि वे फल जिनका परिवर्धन अंडाशय को छोड़कर, वे फल जिनका परिवर्धन अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी अन्य भाग से होता हो, ऐसे फलों को असत्य या आभासी फल कहते हैं।
पुष्प के अन्य भाग कौन कौन से हो सकते हैं? देखो बेटा, पुष्पासन भी हो सकता है, बाह्य दल अथवा दल भी हो सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा पुष्पक्रम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सत्य और वास्तविक फल, वे फल जिनका परिवर्धन केवल और केवल पुष्प के अंडाशय से होता है उन्हें सत्य या वास्तविक फल कहते हैं, जैसे आम और अमरूद, ठीक है। एवं वे फल जिनका परिवर्धन अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी अन्य भाग से, जैसे दल अथवा बाह्य दल से, पुष्पासन से, या फिर संपूर्ण पुष्पक्रम से होता है, उन्हें असत्य या आभासी फल कहते हैं, ठीक है। और बेटा, इसका एग्जाम्पल आप नाशपति, ठीक है, उसके अलावा सेब, नाशपाती, सेब और शहतूत तो आपने देखा ही होगा। ये तीनों प्रकार के फल किस प्रकार के फलों के अंतर्गत आते हैं बेटा? आभासी या असत्य फल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इसी में अपन को दो छोटी बातें और सीखनी हैं। एक बात तो मुझे कहनी है, अनिषेक फलन, ठीक है ना बेटा, नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रकार के फलों का परिवर्धन बिना निषेचन क्रिया के होता है। तो ऐसे फल जिनका परिवर्धन बिना निषेचन के होता है, ठीक है ना, केला, अंगूर, अनानास, संतरा, ये सारे के सारे फल जो मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं नीचे वाले, केला, अंगूर, अनानास, संतरा, ये सभी फल अनिषेक फल हैं। इन फलों का परिवर्धन बिना निषेचन के पुष्प के अंडाशय से होता है। तो परिभाषा क्या बोल दूंगा कि वे फल जिनका परिवर्धन बिना निषेचन के पुष्प के अंडाशय से होता है उन्हें अनिषेक फल कहते हैं। और बेटा, यह क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है, ठीक है ना। अब इसी में एक अंतिम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कृत्रिम अनिषेक फलन। नाम से ही पता चल रहा है बेटा कि कृत्रिम अनिषेक फलन की प्रक्रिया में किसी पुष्प के अंडाशय को कृत्रिम रूप से बिना निषेचन के द्वारा फल के रूप में विकसित करवाया जाता है। और बेटा, इसके लिए वृद्धि प्रवर्धक हार्मोनों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं बेटा? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोनों का। देखो, कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं, आपके सामने दो तीन वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन लिख रहा हूँ, कोशिश करना कि आप उनके नाम बता दें, IAA, IBA, NAA और बेटा 2,4-D, ये चारों के चारों एक हार्मोन है, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन ऑक्सिन। इसके अलावा एक दूसरा वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन मैंने बोर्ड पे लिख दिया, जिब्रेलिन। ये चारों ऑक्सिन के रूप हैं। कक्षा 12 की प्लांट फिजियोलॉजी में आप इनके बारे में ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो, IAA का पूरा नाम इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, IBA का पूरा नाम इंडोल 3 ब्यूटायरिक अम्ल, ठीक है ना। नंबर 3 पर NAA, NAA का पूरा नाम नेफ्थलिन एसिटिक अम्ल, और नंबर 4 पर कौन सा भाग दे रखा है, कौन सा नाम दे रखा है, 2,4-D।
तो 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। तो बेटा आज अपन ने एक तो परिवर्धन की प्रक्रिया के आधार पर भ्रूणकोष के प्रकार, वेरी मच इम्पोर्टेंट। दूसरी बात, भ्रूणकोष की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर बीज के प्रकार, भ्रूणपोषी बीज, अभ्रूणपोषी बीज, है ना। उसके बाद बीजांश से संबंधित तीन भाग, एरिल, कैरेंकल और तीसरा क्या पढ़ा था अपन ने, ऑपरकुलम। और चौथा क्वेश्चन अपन ने फल के बारे में पढ़ लिया। फल किसे कहते हैं? फल के प्रकार सत्य और आभासी फल, और उसी में अनिषेक फल और अनिषेक फलन। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत पढ़नी है, ठीक है।